हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आरजीपीबी के करंट में और सेमेस्टर के एग्जामिनेशन कंप्लीट हुए हैं। साथ साथ दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर जो कि यार इवन सेमेस्टर था, बैकलॉग सेमेस्टर था, उनके भी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं बैकलॉग स्टूडेंट्स के, जिसमें यार मोस्टली स्टूडेंट के लिए M2 में बैकलॉग था, जो कि दोस्तों एग्जामिनेशन देने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। साथ साथ रेगुलरली क्वेश्चन भी कर रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं कि सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आ जाएगा बैकलॉग वाला। तो देखिए दोस्तों, आपका जो एग्जामिनेशन था, लास्ट एग्जामिनेशन, वो 12th of February को रखा गया था। वैसे तो आपका M2 का एग्जामिनेशन 12 जनवरी को रखा गया था, लेकिन 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, जिसके चलते 12th of February को M2 का एग्जामिनेशन एक्सटेंड कर दिया था। तो दोस्तों, आई होप आप सभी का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा और आप सभी लोग एग्जामिनेशन में फोड़ कर आए थे। हालांकि दोस्तों, इस बार भी काफ़ी सारे स्टूडेंट मर्सी अटेम्प्ट में थे, जो कि यार लास्ट टाइम था बैकलॉग का उनका M2 का एग्जामिनेशन का, ऑलरेडी 3 से 4 बार दे चुके हैं एग्जामिनेशन, ये लास्ट टाइम था, मर्सी अटेम्प्ट था। तो दोस्तों, मर्सी अटेम्प्ट वाले सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, साथ साथ डाउट में है कि हम लोग इस बार पास होंगे या फिर नहीं होंगे। तो देखिए दोस्तों, आप सभी का इस बार का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा आया था, जो कि दोस्तों आई होप आप सभी फोड़ कर आए होंगे एग्जामिनेशन में और रिजल्ट में भी अच्छे ग्रेड अचीव कर रहे होंगे, पास हो रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका जो डाउट है कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो देखिए दोस्तों, आपको जो लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन था वो 12th of February रखा गया था, जो कि दोस्तों आप लोग मिनिमम 30 डेज काउंट कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यार जो एक्सपेक्टेड डेट है आपका रिजल्ट आने का M2 का, या फिर बोल सकते हैं ऑल सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में जितने भी इंक्लूडेड हैं बैकलॉग वाले, उन सभी का रिजल्ट 20 से 25 मार्च के समथिंग आ जाएगा, जो कि दोस्तों 30 to 45 days कंप्लीट होने को होंगे 20 से 25 मार्च के समथिंग। तो यार आपका रिजल्ट इतने में ही आ जाएगा, पहले फर्स्ट सेमेस्टर करंट सेमेस्टर का आएगा, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर बैकलॉग सेमेस्टर का। तो दोस्तों, आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हुआ होगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।